प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फोटोन बूस्ट ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। मेरा नाम है यशपाल मीना और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर जो कि आरआरबी एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा आगे आने वाला जो ग्रुप डी एग्जाम है आपका उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा टॉपिक है आज का फेमस वॉर्स एंड बैटल्स ऑफ इंडिया। फेमस वॉर्स एंड बैटल्स ऑफ इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का। इससे सवाल आते भी रहे हैं। 28 तारीख को जो आरआरबी एनटीपीसी की शिफ्ट हुई थी उसमें भी इसका एक क्वेश्चन था, जिसमें जो बैटल ऑफ तराइन है उसको लेके एक सवाल पूछा गया था। तो इसका मतलब यह है कि ये टॉपिक हमेशा आपके सुर्खियों में रहता है, हमेशा ये आपके एग्जाम्स में आता रहता है। सेकेंडली मतलब ये स्टैटिक जीके है, ये बदलने वाली नहीं है, तो इसीलिए इन वॉर्स को कर लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनको करना उतना इजी नहीं रहता है क्योंकि आपको पूरी हिस्ट्री से गुजरना पड़ता है, उन जो तत्कालीन स्थितियां हैं जिनमें लड़ाइयां हुई हैं उनको पढ़ना पड़ता है ताकि ये लड़ाइयां आपको ठीक तरीके से याद रहे। लेकिन यहां पे मैं आपको 20 से 25 वॉर्स की जो लिस्ट है वो करवाऊंगा। एक वीडियो में नहीं आएगा तो दो वीडियो में करवाऊंगा, लेकिन वो लिस्ट आपको याद रखने में हेल्प मिलेगी क्योंकि उन वॉर्स से रिलेटेड कुछ जानकारियां मैं आपको इसी लिस्ट के दौरान प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, फेमस वॉर्स एंड बैटल्स ऑफ इंडिया। वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं फटाफट बिना देर किए। हमने यहाँ पे तीन कॉलम्स बनाए हैं, बैटल, ईयर, फॉर्ट बिटवीन। बैटल का मतलब जो लड़ाई है, जो युद्ध है, ईयर जिस साल में वो युद्ध लड़ा गया है, और फॉर्ट बिटवीन का मतलब है कि वो जो पार्टियां जिनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया है उन पार्टियों के नाम लिखेंगे हम वहां पे, ठीक है। और नीचे मैं वी करके एक साइन लगाऊंगा, वी का मतलब विक्ट्री, जिसकी जीत हुई है वो। खैर अभी देख लेंगे आप। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन की जो पहली लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी, तो मैं आपको बता दूं कि वो लड़ी गई थी 1191 एडी, एडी यानी कि एनो डोमिनी 1191 के अंदर ये लड़ाई लड़ी गई थी। कहां पे? तराइन में लड़ी गई थी। तराइन कहां पे? तराइन मॉडर्न हरियाणा में है, ये अभी हरियाणा जो स्टेट है आपकी, हरियाणा के अंदर है तराइन, ठीक है। और किसके बीच में लड़ी गई थी? तो जवाब है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, और इसे जीता किसने था? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, वी, वी फॉर विक्ट्री। तो पृथ्वीराज चौहान को इस जंग में जो है जीत मिली थी, और हारा कौन था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पकड़ भी लिया था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि पकड़ने के बाद में उसे छोड़ दिया। वो एक तरह से रेकी करने आया था, और 1192 में वो दोबारा आया, 1192 में वो दोबारा आया, 1192, और यही थी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन यानी कि तेरान का द्वितीय युद्ध, दूसरा युद्ध, और यह भी लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मगर इस बार कहानी बदल गई, इस बार पृथ्वीराज चौहान को इस लड़ाई में जो है हार मिली और मोहम्मद गौरी को विक्ट्री मिली। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या वहीं कर दी। हालांकि इसमें एक और देखने को मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था, जो कोर्ट पोएट था, उसका नाम था चंद्र बरदाई, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई कौन था? कोर्ट पोएट, पृथ्वीराज चौहान का कोर्ट पोएट था। इसने एक किताब लिखी है पृथ्वीराज जासो, उसमें इसने ऐसा लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 21 बार लड़ाई हुई और 21वीं बार जाकर मोहम्मद गौरी को जीत मिली। पृथ्वीराज चौहान को ने इतनी बार उसको हराया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपके एग्जाम में आएगा उसका सही जवाब यही है, जो नेशनल हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें दो ही युद्ध थे, 1191 और 1192, और 1192 में मोहम्मद गौरी को जीत मिली, पृथ्वीराज चौहान को हार और मौत दोनों मिली, वो वीरगति को प्राप्त हुए इस लड़ाई के अंदर। आगे बात करते हैं बैटल ऑफ चंदावर। पृथ्वीराज चौहान के एक आदमी के साथ में बड़ी गहरी दुश्मनी थी, और दुश्मनी क्यों हो गई थी? उस आदमी का नाम मैं आपको बता दूं, उस आदमी का नाम था जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल जो था वो कन्नौज का शासक था, और पृथ्वीराज चौहान को उसने मोहम्मद गौरी के खिलाफ मदद नहीं दी थी। बहरहाल मोहम्मद गौरी ने पहले पृथ्वीराज चौहान को निपटाया और उसके बाद में बाकी के हिंदुस्तान की तरफ अपना मुंह कर लिया। 1194 में होता है बैटल ऑफ चंदावर, किसके बीच में?
मोहम्मद गौरी एंड जयचंद गढ़वाल। गढ़वाल राजपूत यूपी और उत्तराखंड के इलाके में रहते हैं, और जयचंद गढ़वाल कौन था? किंग ऑफ कन्नौज। कन्नौज, कन्नौज इस समय यूपी में है, देखिए मॉडर्न यूपी। चंदावर भी यूपी में ही है, उसी एरिया में लड़ा गया ये जंग। खैर, तो मोहम्मद गौरी और जयचंद गढ़वाल के बीच में युद्ध हुआ, और अगेन जीत किसे मिली? मोहम्मद गौरी को, विक्ट्री। अगली बात करते हैं, पोर्तुगीज कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा के बारे में बात करते हैं। अब सीधा हम लोग जो है नीचे आ रहे हैं, तो हम लोग आ जाते हैं 1510 के अंदर। 1510 AD में पुर्तगालियों ने हमला किया था गोवा के ऊपर, और उस समय जो गोवा है वो बीजापुर के सुल्तान के जो है अंडर आता था एक तरह से। तो इसमें लड़ाई किस किसके बीच में हुई है? पोर्तुगीज एंड बीजापुर सुल्तान। बीजापुर सुल्तान, सवाल ये उठता है कि बीजापुर सुल्तान उस समय था कौन? बीजापुर सुल्तान का नाम है इस्माइल आदिल शाह। इस्माइल आदिल शाह ये इस समय बीजापुर का सुल्तान था। हालांकि ज्यादा लोग जानते नहीं है इसके बारे में, क्योंकि ज्यादा पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखें कि बीजापुर का सुल्तान उस समय था इस्माइल आदिल शाह। अगली लड़ाई के बारे में बात करते हैं। अगली लड़ाई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बहुत ही ज्यादा जरूरी लड़ाई है ये, इसकी डेट भी पूछी जा चुकी है। मैं आपको बता दूं कि 21 अप्रैल 1526 को ये जंग लड़ी गई थी। बहुत ही जबरदस्त लड़ाई थी ये। इस लड़ाई का सिग्निफिकेंस मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं कि ये लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो बाबर इसका नाम, इस आदमी का नाम आपने बहुत सुना होगा, बाबर एंड इब्राहिम लोधी। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में यह लड़ाई लड़ी गई थी। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में यह जंग लड़ी गई थी 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी। एंड हु गॉट द विक्ट्री? यू नो वेरी वेल, बाबर को विक्ट्री मिली थी, जीत मिली थी बाबर को इस लड़ाई में। इस लड़ाई का जो है इंपॉर्टेंस क्या है? इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि इस जीत के साथ में क्या शुरू होता है, आप कह सकते हैं बिगनिंग ऑफ मुगल एम्पायर। बिगनिंग ऑफ मुगल एम्पायर यहां से शुरू होता है, बिगनिंग ऑफ मुगल एम्पायर। बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगजेब, औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह। ठीक है, तो ये इनका ऑर्डर है। खैर, इस ऑर्डर के बारे में फिर कभी हम बात कर लेंगे। इस बैटल का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके अंदर बाबर को जीत मिली, इब्राहिम लोधी को हार मिली। बाबर ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस बैटल की, इस बैटल में एक और चीज यूज हुई थी, फर्स्ट टाइम गन पाउडर was used in battle। इतनी बड़ी जंग में पहली बार गन पाउडर का इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि इसमें बाबर क्या लेकर आया था अपने साथ में? कैनन्स। कैनन्स यानी कि तोपें। इस युद्ध में पहली बार हिंदुस्तान में तोपें देखी गई थी। ऐसा बताया जाता है कि बाबर के पास में महज 20,000 के अराउंड आर्मी थी, और 20,000 की आर्मी ने इब्राहिम लोधी की 80-85,000 की आर्मी को रगड़ दिया, थैंक्स टू दीज कैनन्स, तोपों की मदद से। तो ये इस बैटल का इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे बैटल ऑफ खानवा के बारे में, यानी कि खानवा की जो जंग थी, खानवा की लड़ाई थी, वो लड़ी गई थी 1527 ईस्वी के अंदर लड़ाई लड़ी गई थी। और ये लड़ाई लड़ी गई थी किसके बीच में? तो मैं आपको बता दूं, ये लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा जो चित्तौड़ के रूलर थे, चित्तौड़गढ़ के रूलर थे ये, ठीक है, राजपूतों के लीडर थे, राजपूत लीडर थे, ठीक है, राजपूत लीडर थे। इनके बीच में और बाबर के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई की दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, इस लड़ाई में जीत तो बाबर की ही हुई थी, विक्ट्री तो बाबर की ही हुई थी, लेकिन शुरुआत में
राणा सांगा युद्ध जीत रहे थे और बाबर युद्ध हार रहा था, बाबर की सेना भी राणा सांगा से छोटी थी, तो फिर ये लड़ाई जीत कैसे गया? तो मैंने बताया कि इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंपॉर्टेंट चीजें क्या? पहली बार किसी जंग के अंदर एक वर्ड का यूज हुआ था, इस वर्ड का मतलब नाम है जिहाद। जिहाद, पहली बार ये टर्म यूज हुई थी, जिहाद। जिहाद जो टर्म है वो बाबर ने पहली बार इसी बैटल में ये टर्म यूज की थी। तो ये फौजियों में जोश भरने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल बाबर ने जो है इस लड़ाई के अंदर कर लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस लड़ाई की है तुलुगमा टेक्निक। तुलुगमा वॉर टैक्टिक, तुलुगमा युद्ध पद्धति, हिंदी में बोलते हैं तुलुगमा युद्ध पद्धति। अगर आप लिखना चाहते हैं तो साथ के साथ नोट डाउन कर लें, तुलुगमा युद्ध पद्धति। तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या होता है? तुलुगमा पद्धति में जो आर्मी है उसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फ्रंट जोन, लेफ्ट जोन, राइट जोन, सेंट्रल जोन, इस तरह से आर्मी को अलग अलग जोन्स में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। और जो साइड के जो दो जोन हैं उन्हें आगे से जो है साइडों में से घेरने के लिए भेजा जाता है, और जो सेंट्रल जोन है वो आगे रह के फाइट करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो सेना का जो डिवाइडेशन है, डिवाइडेशन करके जो लड़ना है उसी को तुलुगमा टेक्निक बोलते हैं। और इस टेक्निक का इस्तेमाल हिंदुस्तान में पहली बार राणा सांगा के विरुद्ध किया था बाबर ने, तो इसी टेक्निक से बाबर को जीत मिली थी राणा सांगा के विरुद्ध। नहीं तो राणा सांगा की आर्मी भी बड़ी थी और ताकतवर भी बहुत थी, लेकिन दो चीजों ने राणा सांगा की आर्मी को एक तरह से हरा दिया, तुलुगमा टेक्निक और कैनन्स, अगेन तोपें। तोपों का बड़ा जबरदस्त रोल था इस पूरी जंग के अंदर। तो खानवा के अंदर जो है एक तरह से राणा सांगा को हार मिली, खानवा राजस्थान में, मैं आपको बता दूं। आगे बात करते हैं बैटल ऑफ चंदेरी। इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद एक आदमी ने की थी, उस आदमी का नाम था मैदनी राय। मैदनी राय, मैं आपको बता दूं ये लड़ाई 1528 में, अगले ही साल ये लड़ाई हुई थी बाबर की और मैदनी राय। मैदनी राय ने बाबर राणा सांगा की मदद की थी, तो बाबर अच्छा मैदनी राय कहां का रूलर था तो मैं आपको बता दूं ये चंदेरी का किंग था, रूलर ऑफ चंदेरी, चंदेरी का राजा था। और बाबर फिर इसके पीछे पड़ गया क्योंकि इसने राणा सांगा की मदद की थी, तो फिर इसके पीछे पड़ गया। चंदेरी कहां है दोस्तों? चंदेरी एमपी में है, आज एमपी के अंदर है। तो 1528 में फिर बाबर जो है अपनी फौज लेकर चंदेरी की तरफ बढ़ चला, और चंदेरी में भी इसे क्या मिली? जीत मिली। अगेन दोबारा बैटल ऑफ घग्गर 1529, रेगुलरली फाइट लड़ी है बाबर जब से हिंदुस्तान आया, उसी के साथ में उसने जंगे लड़ना शुरू कर दिया। 1526, 1527, 1528, 1529, 1529 AD बैटल ऑफ घग्गर, और ये लड़ाई बाबर ने लड़ी थी अफगानियों के विरुद्ध। अफगान्स, घग्गर बंगाल की तरफ, बंगाल यहां पर अफगानियों का रूल जो है राज था, और यही अफगान्स के साथ में लड़ाई की, और एक बार फिर इसमें विक्ट्री मिली बाबर को। और बाबर के बाद में जो है बाबर का बेटा वो बादशाह बन गया, नाम था हुमायूं, आप सभी जानते होंगे बाबर के बेटे का नाम हुमायूं। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा। तो हम बात करते हैं बैटल ऑफ चौसा के बारे में, लेकिन हुमायूं का भी दुश्मन एक पैदा हो गया। बैटल ऑफ चौसा 1539 AD, बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में लड़ा गया था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हुमायूं और शेर शाह के बीच में, शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। ये सवाल पहले पूछा जा चुका है कि जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। बहरहाल बैटल ऑफ चौसा के अंदर 1539 में हुमायूं को हार मिली, किससे? शेर शाह सूरी से। और यहां से सूर एम्पायर शुरू होता है, यहां से फिर सूर एम्पायर शुरू होता है। बैटल ऑफ कन्नौज, एक बार फिर से हुमायूं ने कोशिश की अगले साल 1540 AD के अंदर कि अब की बार शेरशाह को हरा दे, अब की बार शेरशाह सूरी को हरा दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बार फिर से विक्ट्री मिली किसे? शेरशाह सूरी को, और अब की बार उसने हिंदुस्तान से ही भगा दिया हुमायूं को। उसके बाद में 1545 में शेरशाह सूरी की जो है मृत्यु हो जाती है,
कालिंजर के युद्ध के दौरान, बैटल ऑफ कालिंजर, जब कालिंजर फोर्ट को ये लोग सेज करने जा रहे थे, उसको जीत चुके थे लगभग लगभग, मतलब फोर्ट टूट रही नहीं थी, उसका गेट नहीं टूट रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि शेरशाह सूरी ने आदेश दिया कि इसको एम्युनिशन से उड़ा दो, बॉम्ब से उड़ा दो, और उसे बॉम्ब से तो उड़ा दिया, लेकिन उसके धमाके में ये भी चपेट में आ गया और बहुत जबरदस्त घायल हो गया, और उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1545 में जैसे इसकी मौत हुई, वैसे ही हुमायूं को मौका मिल गया और हुमायूं ने दोबारा से सत्ता हथिया ली। खैर, ये हमारा मुद्दा नहीं है, हम बात करते हैं अब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। सेकंड बैटल लड़ा गया था 1556 में। देखिए, हुमायूं की भी मौत 1546 के दौरान हुमायूं की भी मौत हो गई थी, तो उसके बाद में हुमायूं का बेटा जो है वो उसको बादशाह बनना था। हुमायूं के बेटे का नाम क्या था? हुमायूं के बेटे का नाम था अकबर। अकबर ने बादशाह बनना था, लेकिन अकबर बहुत छोटा था उस समय, ठीक है, हार्डली अकबर जो है मेरे हिसाब से 8-10 साल का उस समय रहा होगा, तो इतना छोटा था। तो अकबर का जो केयर टेकर था उसका नाम था बैरम खान। बैरम खान, तो बैरम खान जो है वो बड़ा वफादार था, बहुत अच्छा दोस्त भी था हुमायूं का। तो बैरम खान ने जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली कि मैं ये राज संभालूंगा जब तक अकबर राज संभालने लायक नहीं हो जाते हैं। अकबर का ओरिजिनली नाम था जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन जब तक राज संभालने लायक नहीं हो जाता तब तक वो उसके केयर टेकर बने रहेंगे। और बैरम खान ने ही ये 1556 की जंग जो है अकबर की तरफ से लड़ी थी। तो जंग किस किस के बीच में लड़ी गई है दोस्तों? जंग लड़ी गई है अकबर और हेमू के बीच में। हेमू को विक्रमादित्य का टाइटल मिला हुआ था। तो हेमू विक्रमादित्य जो है, माफ करें, तो अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था, लेकिन अकबर की तरफ से जंग लड़ी थी किसने? बैरम खान ने। बैरम खान, ये बात याद रखने लायक है, बैरम खान ने मेनली जो है बैटल लड़ा था। इसमें भी इसको लगभग लगभग हार मिलने वाली थी। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात कर रहा हूं, द्वितीय युद्ध पानीपत का, इसकी बात मैं कर रहा हूं, 1556 में लड़ा गया था, 1556, और बैरम खान जो है उसने लड़ा था अकबर की तरफ से, और हेमू इसमें हारा था। जीत मिली थी अकबर को, यानी कि बैरम खान को विक्ट्री मिली थी। असल में ये युद्ध भी ये ऑलमोस्ट हारने के गार पे थे, लेकिन इनकी किस्मत सीधी निकली और इसकी किस्मत हेमू की खराब निकली। इसके एक आंख में लग गया तीर और इससे ये बहुत बुरी तरह घायल हो गया, और उसके बाद में जो है इसकी पूरी सेना तितर बितर हो गई और मौका मिल गया बैरम खान को, और बैरम खान ने रगड़ दिया पूरी की पूरी हेमू की फौज को, अफगानियों की फौज को। अफगान कमांडर हुआ करता था ये, अफगान कमांडर था ये कौन? हेमू विक्रमादित्य। तो यहां पर जो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत खत्म होता है। इस वीडियो में इतना ही, अन्यथा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और मेरे सेकंड पार्ट का वेट जरूर कीजिएगा। इसके जस्ट बाद में सेकंड पार्ट अपलोड कर देंगे हम लोग, तो उसमें जो है बाकी के बैटल्स मैं कवर कर लूंगा।